ये देखो सो रहा है। अरे आज तो रविवार, भले सूतो। पप्पू जी आप सो जा बेटा, सो जा। वाह इतना मस्त सपना है। ये सपना नहीं है बेटा। ओहो ये तो सच में बहुत ही प्यारा सपना है। पप्पू जी सोने को कह रहे हैं, ऊपर से प्यार से बेटा भी कह रहे हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू। पूछिए आप, अब कब आए? अरे कब आए क्या, कब से आया हूँ। कह रहा हूँ तुझे ये सपना नहीं है, फिर भी बोले जा रहा है। कितना प्यारा सपना है, कितना प्यारा सपना है। तो बापूजी आप हमेशा उठ जा जेठिया उठ जा ऐसे चिल मतलब बोलते हैं, और आज आपने बोला के सो जा बेटा सो जा, तो कैसे यकीन होगा कि ये सपना नहीं हकीकत है। बात तो तारी साची से दिख रहा, लेकिन अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि ये सपना नहीं हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मजा आ गया है ना। तो चल अभी तुझे एक बात और बताता हूँ जिससे तुझे और मजा आएगा। अच्छा क्या? आज मैं तेरे लिए जलेबी फाफड़ा लेकर आता हूँ। क्या? अरे नहीं बापूजी आपके, मैं लेके आता हूँ ना। अरे नहीं नहीं जेठिया, मैं अपने यंग गोल ग्रुप से मिलने जा रहा हूँ ना, तो आते वक्त तेरे लिए जलेबी फाफड़ा लेते आऊंगा। थैंक यू बापू जी। तू अभी सो जा। अरे बापू जी आपने अभी जलेबी फाफड़ा की बात की तो अभी कहाँ नींद आएगी। मैं काम करता हूँ, मैं नहा के पूजा उजा करके जलेबी फाफड़ा खाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। ठीक चल, जय जिनेंद्र। जय 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 जय। चाचा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, दोनों को सुप्रभात। सुप्रभात। चाचा जी आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं? हाँ मैं तो रोज जाता ही हूँ। तुम दोनों भी चलने जा रहे हो? हाँ हाँ। तो एक काम करो ना, आज तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं अपने यंग गोल ग्रुप से मिलवाता हूँ। हाँ चाचा जी मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम हमारे साथ हमारे गोकुलधाम वासियों को भी बोरिंग वॉक पे ले चले तो मजा आएगा। हाँ साथ संडे है, सबके अपने अपने प्लान होते हैं, हम चलते हैं ना चाचा जी के साथ। हाँ चलो। अति भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचा जी। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अब्दुल। अब्दुल तुम भी हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे चलो ना। अति भाई मैं तो दिन भर चलता ही रहता हूँ, सोसाइटी से दुकान, दुकान से सोसाइटी, और कभी इस सोसाइटी से कभी वो सोसाइटी। अरे वैसे नहीं, खुले गार्डन में ठंडी ठंडी हवा में वैसे चलो ना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे आती भाई अगर मैं आपके साथ चला तो दुकान कौन संभालेगा। और आपको तो पता है कि मेरी दुकान 365 दिन खुली रहती है। अभी थोड़ी देर पहले अय्यर भाई और बबीता जी साइकिलिंग पे जा रहे थे, तो उन्होंने भी मुझे पूछा कि साथ में चलो, तो मैंने भी उनको यही कहा। नहीं नहीं बराबर है अब्दुल, तेरी बात सही है, चल हम लोग चलते हैं। मॉर्निंग वॉक में मजा आएगा। चाचा जी। हाँ चाचा जी आप भूल गए हम भी आपके साथ आ रहे हैं, तो थोड़ा स्लो चलिए ना। हाँ चलो चलो चलो, तो क्या रोज मैं तेज चलता हूँ ना तो आदत हो गई है। अरे आती है जल्दी चलिए, अचानक बारिश शुरू हो गई। हाँ चाचा जी आओ कोमल, संभल के संभल के। अरे बाप रे, अरे चंपकी आ गया, चंपकी आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सबको सुप्रभात। अरे वाह आज तो जेठिया भी साथ में आए, लेकिन चंपक मुझे नहीं लगता कि जेठिया कुछ ज्यादा ही तंदुरुस्त हो गया है। अरे रौजी, अरे तुझे कितनी बार बोला है, तुझे नंबर है ठीक से दिखाई नहीं देता, तो चश्मा पहना करना, चश्मा क्यों नहीं पहनता है? क्या है चंपक क्या, चश्मा लगाने से ना उम्र ज्यादा दिखती है, और अभी तो मैं जवान हूँ।
ये देख, अब तो तेरी उम्र हो ही गई है भाई। अच्छा सुन, अभी ये जेठिया नहीं है, ये हथीड़ा है। हाँ, मतलब हमारी सोसाइटी के डॉक्टर हाथी है, और ये उसकी पत्नी है कोमल बेटी। हाँ तो हथीड़ा कोमल बेटा। हाँ। ये नाथिया, ये रवजी, ये तनसुख और ये मनसुख। नमस्ते। नमस्ते। कैसे आप सब? एकदम तंदुरुस्त, एकदम बढ़िया, फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया। चलो चलो, चंपक आ गया है तो कसरत शुरू कर दे। चलो चलो चलो। अच्छा ठीक है, चलो अभी सब रुक जाओ। अच्छी बारिश हो रही है ना? हाँ, पर मेरे बेटे का गुजरात से फोन आया था, वहाँ पर भी अच्छी बारिश हो रही है। अच्छी बात है, बारिश होगी तो अच्छा ही है। वो कहते हैं ना कि जल है तो जीवन है। अरे नाथिया भाई, अरे तुम सब लोग बारिश की बातें बाद में करना, चलो पहले योगा करते हैं। ठीक है ठीक है, बराबर। वाह क्या बात है चाचा जी, इस उम्र में भी आप एक्सरसाइज और योगा कितनी आसानी से कर लेते हैं। आज तो एक्सरसाइज करने का मजा आ गया। चलो भाई, अब एक्सरसाइज का मेन कोर्स तो हो गया, अब मुखवास करते हैं। चाचा जी मुखवास? अरे मुखवास मतलब वो करते ना, वो ऐसे जोर जोर से हंसते ना। लाफ्टर थेरेपी। गुड गुड गुड। यंग ओल्ड ग्रुप के नौजवानों, हंसने से बहुत से फायदे हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इसलिए सवेरे सवेरे हंसना जरूरी है। 1 2 3 गब्बर सिंह की हंसी। मोगेम्बो की हंसी। चुड़ैल की हंसी। बच्चों वाली हंसी। अब अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखो और गर्व से कहो, मेरा भारत महान, 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 मेरा भारत महान। चाचा जी आपका ये यंग ओल्ड ग्रुप सच में यंग है, आप लोगों के साथ तो मजा आ गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमें भी बहुत मजा आया आपके साथ। चलो मैं चलता हूँ, मुझे अपने पोते के साथ जुम्मा करना है। जुम्मा के चक्कर में कहीं कमर ना लचक जाए। अभी बहुत ताकत है इन बाजुओं में। चलो चंपक अब हम चलते हैं। अरे भाई रुको रुको, अरे भाई बारिश हो रही है तो मुझे भी जरा रिक्शा तक छोड़ दो। हथीड़ा कोमल बेटा मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, आज रविवार है तो मैं जेठिया के लिए जलेबी फाफड़ा लेके जाने वाला हूँ। वाह वाह चाचा जी, अब जीना भाई के लिए फाफड़ा जलेबी लेकर जाएंगे तो वो तो खुश हो जाएंगे। हाँ, और सच कहो हथीड़ा, ये फाफड़ा जलेबी जेठिया को खाने में जितना मजा आता है ना, उससे ज्यादा मजा मुझे फाफड़ा जलेबी जेठिया को खिलाने में आता है। आपने ये बोल के मेरे पिताजी की याद दिला दी। पता है जब मैं छोटा था ना, तो वो आप ही की तरह मेरे लिए रोज सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आते थे।
तो हाथी बेटा मैं भी तो तेरे पिताजी जैसा ही हूँ ना। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो है, हम लोग जलेबी फाफड़ा लेते हैं और घर पे जाके सब साथ में मिलके खाते हैं। हाँ चलो चाचा जी। क्या हाँ चलो, हनी हमारा वॉक बाकी है। सॉरी चाचा जी, वो हमारा थोड़ा चलना भी बाकी है, पर आप जिठा भाई और टप्पू फाफड़ा जलेबी एंजॉय करना। अच्छा अच्छा ठीक है, चल चलता हूँ। ला ला ला, ओके नमस्ते। खोल खोल तेरा छाता बड़ा है, चल। हंस जेठा भाई कितने लकी है ना, चाचा जी उनसे कितना प्यार करते हैं। कोमल लकी तो हम भी हैं। वो कैसे? चाचा जी हमें भी तो उतना ही प्यार करते हैं। हाँ वो तो है। चलो अच्छा हुआ बारिश रुक गई, वॉक पे चलते। हाँ चलो। कोमल जब से चाचा जी ने फाफड़ा जलेबी का नाम लिया ना, तब से मुझे भूख लगने लगी है। कोई बात नहीं, मैं घर जाकर फटाफट स्वादिष्ट नाश्ता बना देती हूँ। कोमल तुम्हें पता है हमारे जीवन में ना नाश्ते का बहुत महत्व होता है। वो तुमसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। ताना मार रही हो? ओ कम ऑन हंस, तुम डॉक्टर हो इसलिए कह रही हो। तुम्हें पता है सुबह का जो नाश्ता होता है ना वो एकदम हैवी होना चाहिए, जैसे कि रबड़ी। वृंदावन स्वीट, बनारस की स्पेशल रबड़ी, खस्ता कचौड़ी और जलेबी। क्या हुआ भाई साहब, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो ये पैम्पलेट मुझे दे सकते हैं। हाँ ले लो ना, मेरे काम का नहीं है। थैंक यू। कुमार ये देखो, हमारे एरिया में वृंदावन स्वीट्स करके बनारस की फेमस शॉप खुली है। अच्छा कुमार, मैं क्या सोच रहा हूँ, आज हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वालों को रबड़ी, खस्ता कचौरी और जलेबी की पार्टी दे। तो ओहो एकदम बढ़िया विचार है। तो चलो कोमल अभी ये शॉप पर जाते हैं और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लिए नाश्ता पैक कराते हैं। हाँ चलो। एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? हमारे जाने से पहले अगर सबने नाश्ता कर लिया होगा तो। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, हम पहले ना गोकुलधाम सोसाइटी जाते हैं और वहां जाके सबको पूछते हैं, अगर किसी ने नाश्ता ना किया हो तो उन्हें बता देंगे कि कोई नाश्ता नहीं करेगा, क्योंकि आज का नाश्ता हम कराने वाले हैं। ये ठीक रहेगा। चलो चलो। क्या हाल चाल अब्दुल मियां? बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। चाय पियेंगे? नहीं नहीं। अरे पियो पियो, दुबे के हाथ की चाय बहुत बढ़िया होती है। हाँ पर अब्दुल नहीं। ओके ओके, नहीं नहीं एक ही चाय चाहिए बस। अब्दुल वैसे तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो चाय के साथ खारी खाऊंगा। अच्छा अरे हंस, अरे अरे हाथी भाई, सच में अब्दुल चाय बहुत बढ़िया थी। अरे हाथी भाई पहले बोलते तो एक चाय और ले लेता। ये खारी किसके साथ खाऊं? रबड़ी के साथ। रबड़ी के साथ? हाँ अभी रबड़ी कहाँ से आएगी? अब्दुल मैं मंगवा रहा हूँ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए बनारस की फेमस जलेबी, रबड़ी और खस्ता कचौरी। वाह वाह वाह, थैंक यू आती भाई, सबको जाके बता दो। नहीं अब्दुल, नाश्ते का इनविटेशन तो हम दोनों घर पे जाके पर्सनली देंगे। चलो हंस, सबसे पहले मेहता साहब के यहाँ चलते। हाँ कोमल, मेहता साहब तो ये नाश्ते का नाम सुनेंगे ना तो खुश खुश हो जाएंगे। तारा कुछिए, गुड मॉर्निंग। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जैसे कड़ी धूप में काले घने बादल छा जाते हैं। क्या तारक, आप भी ना। तुम ही हो मेरे दिल की धड़कन, मेरी सांसें। पता नहीं कब होगी तुमसे फिर से मुलाकात। क्या तारक, आप भी सुबह सुबह मुलाकातें मुलाकातें मुलाकातें। मैं किसी के लिए कविता बोल रहे? तुम ही हो मेरा पुराना प्यार।
राणा प्यार, ये तो किसी का सपना देख रहे। और इंतजार नहीं होता, कितने दिन हो गए तुम्हें देख के। तारक, जी तो करता है कि तुम्हें पास लाकर, तारक पास लाकर। अंजलि चिल्ला क्यों रही हो? ये क्या था? क्या था? सोया था? सोए नहीं, खोए थे किसी के सपनों में। किसके? मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कौन है वो आपका पुराना प्यार, जिसे मिलने के लिए आप इतने बेकरार रहे थे, जिसे पास लाकर तो आप ये कविता किसके लिए गुनगुना रहे थे? मैं कविता गुनगुना रहा था? अरे अंजलि, मैं तो बहुत प्यारा सा सपना देख रहा था, तो उसी के लिए कविता गुनगुना रहा था। प्यारे से सपना किसके लिए देख रहे थे? रबड़ी के लिए। रबड़ी? कौन है ये रबड़ी? आपने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? धोखा दिया है आपने मुझे। अरे अंजलि अंजलि शांत हो जाओ, रबड़ी कोई लड़की नहीं है। अरे मैं तो खाने वाली रबड़ी की बात कर रहा था। सच कह रहे हैं आप? रबड़ी की कसम, मेरा मतलब है कि तुम्हारी कसम। अंजलि, तुम मुझे हकीकत में रबड़ी खाने नहीं देती, और आज सपने में भी खाने नहीं दिया। सॉरी तारक, मुझे लगा रबड़ी वो कोई बात नहीं, आप सो जाइए और रबड़ी खाकर फिर उठ जाना, ठीक है? अरे ऐसे कैसे ठीक है, नींद से उठाए तुमने, जुर्माना तो भरना पड़ेगा। छोड़िए ना अंजलि, जब सुबह तुम्हें देखता हूँ ना, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, दिल में घंटियां बजने लगती है। देखा, बजी ना? हाँ बजी, डोरबेल बजी है। देखती हूँ। अरे हाथी भाई, कोमल भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए बैठिए। एक मिनट एक मिनट, अंजलि भाभी आप लोग ने नाश्ता नहीं किया ना? रबड़ी खा ही रहा था कि। क्या आपने रबड़ी खा ली? मैं रबड़ी खाने ही वाला था कि अंजलि ने मुझे जगा दिया। नींद में ये सपने में रबड़ी खा रहे थे। तभी मैं सोचू, मुझे रबड़ी की खुशबू आई नहीं, और मैं तो सब रबड़ी खा कैसे ली? वही तो, अंजलि के होते हुए रबड़ी तो क्या, रबड़ी का रब ही घर पे नहीं आ सकता। करेक्ट मेहता साहब, आज आपके घर में रबड़ी आए या ना आए, और आपके पेट में जरूर जाएगी। कैसे? वो ऐसे कि आज हम आपको और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को ब्रेकफास्ट कराने वाले हैं। अच्छा? हाँ मेहता साहब, बनारस की स्पेशल जलेबी, मीठी मीठी रबड़ी, खस्ता कचौरी। वाह 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 हाथी भाई, मैंने सुबह सुबह रबड़ी खाने का सपना देखा, मेरा सपना सच हो गया। और अंजलि, आज तुम मुझे कुछ भी खाने से नहीं रोकोगी? आप पूछ रहे हैं या बता रहे? नहीं तो पूछ ही रहा हूँ, आज तुम मुझे रबड़ी खाने से नहीं रोकोगी ना? प्लीज प्लीज। खा सकते हैं। तो फिर आप स्पेशल बनारसी ब्रेकफास्ट करने तैयार रहिएगा। हाँ। चलो कोमल, हम अय्यर के यहाँ चलते हैं। रुक गई है मेरी सुबह की चाय, रबड़ी ने कर दिया है उसका बाय बाय। हाथी भाई सिर्फ खाने के नहीं, खिलाने के भी शौकीन है। क्या मस्त इन्विटेशन दिया उन्होंने, रबड़ी कचोरी जलेबी, हाय हाय हाय। इनका नाम सुनके ना मेरा चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह खिल गया है। भाई संडे की सुबह तो वैसे ही दिल को खुश करने वाली होती है, साथ में रबड़ी कचोरी जलेबी ये सब खाने मिल जाए ना, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। क्या होगा जब मेरे सामने ये सारे व्यंजन परोसे जाएंगे, आज ना मन भरेगा और ना ही पेट। लेकिन ऐसा होगा ना, सच में रबड़ी कचोरी जलेबी ये मेरे सामने आएंगे ना, क्या है ना गोकुल धाम को बिना मुसीबत के खुशी हजम नहीं होती, तो क्या होगा, नाश्ता आएगा या फिर कोई मुसीबत। नाश्ता तो छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि संडे की सुबह बिना चाय के ही बीत जाए। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन जवाब के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.